वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरांवाला की बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट की चाट लेके आई हूँ, क्रीम चाट। कैसे बनेगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, दोस्तों के साथ करना है शेयर, और फ्रेंड्स साथ ही बेल आइकन है उसे भी करना है प्रेस। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम चख तो लें कैसी बनी है चाट। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। प्लीज़ आपने ज़रूर से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कैसी बनी थी आपकी चाट। चलते हैं फ्रेंड रेसिपी की जानिब। क्रीम चाट बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए सेब। मैंने दरमियाने साइज़ के 3 अदद सेब लिए हैं और मैं स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए दरमियाने साइज़ के ही मैंने केले लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने केले लिए हैं और उन्हें भी स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए बेक पार्लर की मैंने सेवइयाँ ली हैं और इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। थोड़ी सी मैं सेवइयाँ इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए अंगूर, और एक बोल भर के मैंने अंगूर का लिया है, तकरीबन 100 ग्राम अंगूर है। इसके अलावा एल्बो साइज़ मैंने मैक्रोनियाँ ली हैं, तकरीबन मैंने इसे पानी बॉईल किया और तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे बॉईल किया है। पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, नमक शामिल नहीं किया है। और इसके अलावा हमें चाहिए खजूर, इसके अलावा हमें चाहिए खुबानी की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और क्रीम चाट में ये खुबानी की चटनी ही इस्तेमाल होगी, इससे इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा हमारे पास है करीम, तकरीबन 100 ग्राम मैंने करीम का लिया है, कोई भी आप पैकेट की क्रीम ले सकते हैं। इसके अलावा ले रही हूँ मैं दही, दही तकरीबन 400 ग्राम है। तो ये तमाम अच्छा इस्तेमाल होंगे क्रीम चाट में। इसके अलावा चीनी, बारीक पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल होगी। चलें चलते हैं फ्रेंड रेसिपी की जाने। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ बॉल में दही को, ऐड कर रही हूँ मैं, मीठी दही होनी चाहिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम को, साथ ही हसब ज़रूरत चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी नहीं है बल्कि पीसी हुई चीनी है, आपने पीसी हुई चीनी ही यूज़ करनी है, आपने रेगुलर चीनी यूज़ नहीं करनी है। तो मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऐड की है, अगर ज़रूरत होगी तो और मज़ीद भी ऐड करेंगे। साथ ही इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चीनी और मैंने मिक्स कर लिया है क्रीम को, यहाँ पर आप चख भी सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लगे पीसी हुई चीनी तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम तमाम फ्रूट इसमें शामिल करते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ सेब को, केले शामिल कर रही हूँ, अंगूर, थोड़ी सी मैक्रोनी, बहुत थोड़ी सी, और थोड़ी सी इसमें हम रेड सेवइयाँ भी शामिल करेंगे बेक पार्लर की, ये बॉईल की हुई सेवइयाँ। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चले जी, अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है दही की और क्रीम का, जो हमने मिक्सर किया था यकजान, अच्छी तरह से उसकी मिक्स कोटिंग हो चुकी है फ्रूट के ऊपर। तो चलें अब इसे हम डिश आउट करते हैं। चलें जी, फ्रूट और क्रीम चाट हमारी गुजरांवाला की बहुत हो चुकी है मशहूर रेडी। आप चाहें तो पूरा पूरा पैकेट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें क्रीम का, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। फ्रूट भी आप पर ही डिपेंड करता है, आपको कौन से फ्रूट पसंद है, कौन से नहीं फ्रूट पसंद है, क्या ऐड करना चाहते हैं, दही ज़्यादा रखना चाहते हैं, ये टोटल सब चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती हैं। चलें जी, चलें जी, थोड़ी सी ऐड कर देंगे हम दही को, और चलें जी, और अब ऐड करते जाते हैं थोड़े से अंगूर, मैंने बचा लिए थे, अब अंगूर ऐड करेंगे इसके ऊपर हम थोड़े से, और इसके अलावा चटनी ऐड करूँगी मैं। खुबानी की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ वहाँ से आप ज़रूर इसे बनाइएगा। इसके साथ खुबानी की चटनी ही चलती है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसके साथ ही। और साथ ही हम अशरफियाँ इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी कलर के लिए थोड़ी सी ग्रीन अशरफियाँ। चलिए, आप चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, अगर अंगूर का मौसम नहीं है तो आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है रेडी, तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गुजरांवाला की बड़ी मशहूर क्रीम फ्रूट चाट है, तो आपने इसे ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।